हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मॉम्स एंड ब्लॉग्स। तो आज है संडे और मेरा किचन देखिए साफ लग रहा है। तो सुबह का शुरुआत हो चुकी है, मेरे ब्लॉग की सेटिंग हो चुकी है और बस यहाँ पे वीर उठ गया है। अभी टाइम हो रहा है 7:30, आज जल्दी उठ गया है। पता नहीं क्यों जल्दी उठ गया, मैं उठ गई तो वो भी उठ गया। क्योंकि रोज तो हम लोग को अगर उठे नहीं तो काम होता नहीं है, वही काम बहुत देरी से होता है। तो सिर्फ बैठ लगे जल्दी उठ जाओ, सारे काम हो जाते हैं। तो हमारे तो कोई छुट्टी होती नहीं है। तो बस स्टार्टिंग हो चुकी है और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। छोटू अभी सोया हुआ है, थोड़ी राहत है कि छोटू एक तो सोया हुआ, एक जग के तो टीवी देख रहा है वो। और यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ पे मैं आज बनाऊंगी ये साबूदाना जो है, ये साबूदाने की मैं अपने देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मैंने कभी बनाया या नहीं है, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। और अब तो मैंने बनाया नहीं, वड़ा बनाया है मैंने। वड़ा तो मैंने ट्राई किया है बट ये मैंने ट्राई कभी नहीं किया है। तो आज देखते हैं, ट्राई करती हूँ कैसा बनता है, मैं बताऊंगी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज का अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो क्या बताऊं मैं, यहाँ पे छोटू भी जग गया है। आज संडे है तो आज बच्चे सो ही नहीं रहे हैं। लोग रोज ये सोता है, आज पहले जग गया तो सोचा कि बनाऊं ब्रेकफास्ट, बनाऊं साबूदाने के अप्पे सोचे बनाने के लिए। तो भी मेरा आधा ही काम हुआ था कि तब तक ये जग गया, तो इसको सोया ही नहीं लड़का ये छोटू सोया ही नहीं। छोटू हाय बोल दो। हेलो बोलो, हेलो फ्रेंड्स बोलो, आ आ हेलो फ्रेंड्स। आपका आइस कहाँ है? अच्छा आंख बता दो, आंख कहाँ है? बाल कहाँ है? आपका कान कहाँ है? कान। अब इसको मैं तो मैंने ये रात भर के मैंने भिगा दिए थे। इसमें आप देखिए बढ़िया से हो गया। इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास दही नहीं है तो मैं ऐसे बनाऊंगी। तो मैंने इसमें एक मिर्ची डाला है, एक बच्चे भी खाएंगे, और ये धनिया पत्ता डाल दी हूँ, और मैं डालूंगी ये मूँगफली का बुरादा है, मैंने फ्राई करके मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, और ये मैंने 2 बॉइल्ड आलू डाले हुए हैं, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो इससे मैं जीरा, अजवाइन और ये नींबू का रस डाल दी हूँ, सब अच्छा टेस्ट होता है। और नमक डाल दी हूँ अपने स्वाद के अनुसार, और हल्दी और धनिया पाउडर डाल दी हूँ, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। और बाद में मैंने डाला है चाट मसाला, उसको मैंने गोल गोल बना लिया है। इसका अच्छा से इसको मतलब इसमें डालेंगे तो अच्छे से पक जाएगा। ऐसे वैसे मिक्सर हो गया था मेरा, तो मैंने अच्छे से गोल गोल बना के ऐसे देखिए गोल बना दिया था। और फिर मैंने हल्का तेल डाल के, इसमें बहुत कम तेल लगता है, बहुत ही कम तेल में ही हो जाएगा, और बहुत हेल्दी भी होता है, और बहुत कम तेल में पक जाता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो घर से मैंने डाल दिया था, देखिए ये अभी हल्का हल्का पक गया है, तो मैंने इसको जो भी पक गया था उसको मैंने पलट दिया है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत अच्छा ही हुआ था ये। देखिए अभी पका नहीं है, ये अपने आप छोड़ देता है ये। अगर आप पक जाएगा पूरा ये अप्पे तो अपने आप ये छोड़ देगा। देखिए मेरे सब मैंने पलट दिया है, पलट के मैंने सारा पका दिया है, और बहुत मतलब बहुत अच्छे से हो गया था। देखिए बहुत अच्छे से हो गया है, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा, क्योंकि इतना शोर हो रहा था मेरे घर में। उस दिन था संडे और बहुत हल्ला हो रहा था। देखिए बन गया है, और देखिए यहाँ से मैं ढक के मैंने पका दिया था कि तो और पक जाए अच्छे से। देखिए बढ़िया हो गया है, देखिए एकदम अच्छा हो गया था, बहुत लाजवाब हुआ था। और ये तो बहुत मतलब खाने लायक इतना अच्छा हुआ था ना, तो हम लोग मैं तो खाने जा रही थी, और मैंने बाकी वीडियो बाद में बनाया नहीं, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। देखिए आप लोग भी ट्राई कीजिए, बनाइए तो बहुत अच्छा, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और प्लस इसमें बच्चे भी खा सकते हैं, आप बड़े भी खा सकते हैं, बहुत कम तेल लगता है। देखिए और फिर मैं आप लोगों से खा के मतलब मिली थी मैं आप लोगों से। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं सारे काम हो चुके हैं। जैसे कि क्यों रो रहे हो, हाय कर दो। हाँ ये रो रहा है इसलिए क्योंकि इसके पापा और उसके भैया यानी कि वीर चले गए हैं कहीं बाहर, जगह थोड़ा शांत हुआ है अभी। हाय कर दो, हाय कर दो,
तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन, और ये भी नहा लिया है, वीर भी नहा लिया, बस मैं मुझे नहाना बाकी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, जो होते हैं हाथ वाले बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी खाना बनाना है, दोपहर का लंच भी तैयारी करनी है, और मुझे आज हेयर वॉश करना है, बाल भी धोना है। बाल भी देखो एक हफ्ता नहीं, 5-4-5 दिन हो गया है धोले हुए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है बाहर, तो रोज रोज बाल धोना भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। छोटा बच्चा एक तो भी मेरा फीडिंग करता है, तो उसकी वजह से मैं रोज बाल नहीं धोती हूँ, मतलब जैसे 2-3 दिन के बाद बाल धो लेती हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी नहाऊंगी, छोटे नहा लिया, फ्रेश हो गया है, तो छोटे देखो स्माइल नहीं करना, ये देखिए दिखेगा नहीं क्योंकि जाली लगी हुई है, तो यहाँ बारिश हो ही रही है, तेज हो रही है, बट इसमें तेज दिख नहीं रही है, और तेज हो रही है बारिश। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे नहा ली हूँ, बाल बाल धुल गया है मेरा, हमने लंच भी कर लिया है, सिंपल मैंने दाल चावल और सब्जी बनाई थी, तो बस लंच हो गया है, बच्चे लोग भी खा लिए हैं, और थोड़ा आराम करेंगे हम, क्योंकि दोपहर के 3 बज चुके हैं, और सब आज इतना फास्ट दिन मतलब निकलता है, संडे का आगे पूछिए मत, क्योंकि सब घर में रहते हैं और बच्चे भी घर में रहते हैं, स्कूल होता नहीं है, तो काफ़ी मतलब काम हो जाता है इसकी वजह से। देखिए मेरा घर ऐसे पड़ा हुआ है, बिस्तर भी ऐसे पड़ा हुआ है, सब ठीक करना है मुझे, और बाहर तो बारिश हो ही रही है, देखा ही आप लोगों ने अभी। आओ छोटू भी आ गया है, नंगू है छोटू, नंगू है क्या? अरे 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 गेम खेल रहे हैं, अरे 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 अय्या। तो हम शाम को मिलेंगे, शाम को मिलती हूँ मैं, अभी सुलाऊंगे इन लोगों को, छोटू सोएगा अभी, मिलती हूँ मैं कुछ देर के बाद से, बाय कर दो। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो बज गए हैं, मतलब 6 बज गया है, शाम हो गई है, और हमने चाय वगैरह पी लिया है क्योंकि हम सो गए थे दोपहर में, तो उठे हैं हम लोग 5:30 बजे उठे शायद, और हम लोगों ने टाइम में देखा नहीं, मैंने एक टाइम कितना हो रहा है, और चाय वगैरह बनाया मैंने, और कुछ नाश्ता हल्का फुल्का ब्रेड वगैरह खा लिया, बस टाइम निकल गया, और इंचिन नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, थोड़ा बंद है बट जाना अच्छा नहीं क्योंकि बहुत पानी होगा, फिर बच्चे लोग ले जाना तो ठीक नहीं है, सोचा कि चलो बाकी दिन कहीं और कभी और दिन चल जाएंगे, बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर, और बस अभी मैं ब्लॉग का एंड करूँ क्योंकि ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो फिर बस हो गया आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।